झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा 12वीं की अंतरा पाठ्य पुस्तक से ब्रजमोहन व्यास जी का संस्मरणात्मक लेख कच्चा चिट्ठा ले रहे हैं। उसका यहाँ सारांश प्रस्तुत करेंगे। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि हमने आपकी कक्षा के कोर्स से जो व्याकरण वाला हिस्सा है, रसछंद अलंकार और काव्य भेद वाला हिस्सा है, उसके वीडियोस भी बनाए हैं। कृपया आप झरोखा चैनल में उसे खोज सकते हैं और खोज कर उनका लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ब्रजमोहन व्यास जी के संस्मरणात्मक लेख कच्चा चिट्ठा का सारांश। ब्रजमोहन व्यास जी इतिहास और पुरातत्व के प्रति गहरी आसक्ति रखते थे। उन्हीं के प्रयासों से इलाहाबाद, जिसे अब प्रयाग भी कहा जाने लगा है, में इतना महत्वपूर्ण पुरातत्व संग्रहालय बन सका। इस संस्मरणात्मक निबंध में उन्होंने विभिन्न जगहों से किस तरह से मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख वगैरह उन्होंने प्राप्त किए हैं, इसका बहुत ही दिलचस्प विवरण प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि 1936 में वे कौशाम्बी गए थे और वहां से पसोवा नाम का एक गांव है जो कि जैन तीर्थ के रूप में भी ख्याति रखता है, वे वहां पहुंचे। उस जगह पर हर साल मेला भरा करता है। दंत कथा के अनुसार वहीं पर कहीं आसपास सम्राट अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था। उसमें बुद्धदेव के केश और नाखून के अंश रखे गए थे। इस गांव से व्यास जी को कुछ सिक्के, मन के और मिट्टी की मूर्तियां वगैरह प्राप्त हुए थे। जब वे इक्के से लौट रहे थे, इक्का यानी एक तांगे, एक घोड़े से चलने वाला तांगा, तब उन्हें रास्ते में किनारे पर एक पेड़ के नीचे चार मुख वाले शिव जी की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वहां कोई भी आसपास नहीं है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इसकी देखरेख कोई करता हो, तो उन्होंने उतरकर उस मूर्ति को तांगे पर रखवाया और लेकर अपने संग्रहालय चले आए। संग्रहालय में उसे संरक्षित कर दिया। पर जब गांव वालों को यह बात पता चली कि शिवजी की मूर्ति उनके गांव से गायब है, तो वे तुरंत ही समझ गए कि ये मूर्ति कहाँ होगी, क्योंकि ब्रजमोहन व्यास जी के बारे में ये चारों तरफ जानकारी फैली हुई थी कि अगर पुरातत्व महत्व की कोई सामग्री गायब हो तो समझ लीजिए कि व्यास जी ने ही उसे वहां से गायब कराया होगा या किया होगा। तो गांव वालों ने क्या किया, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया कि जब तक वह मूर्ति वापस नहीं आएगी, वे ना तो अन्न का एक दाना छुएंगे और ना जल पिएंगे। और फिर वे सारे लोग जमा होकर के व्यास जी के पास इलाहाबाद पहुंच गए। उन्होंने उनसे कहा कि भाई देखिए, आप हमारी मूर्ति लौटा दीजिए, अन्यथा हम लोग उपवास करते रहेंगे और अपने प्राण भी त्याग देंगे। जब व्यास जी ने देखा कि मूर्ति के प्रति इन लोगों का इतना प्रेम है, इतनी आस्था है, तो उन्होंने भी बहुत आदर के साथ कहा कि भाई आपकी मूर्ति है, चलिए हम आपको अभी दे देते हैं। और उन्होंने उसे शेड से निकलवा कर उनको सौंप दिया। मिठाई और जल बुलवा करके उनका उपवास भी तोड़वाया और मूर्ति की विदाई भी अच्छे तरीके से की। इस तरह उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बना रहा, क्योंकि उन्हें तो ऐसे ही गांव वालों के साथ मिलजुल कर पुरातत्व की और भी सामग्री जमा करना थी। उनके साथ एक बार संबंध बिगड़ जाए तो फिर उन्हें ऐसी चीजें हासिल नहीं हो सकती थी। तो इस तरह की घटनाएं भी उन्होंने लिखी हैं। फिर वो एक जगह लिखते हैं कि एक बार खेत की एक मेड़ पर उन्हें बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति पड़ी हुई मिली। बोधिसत्व यानी बुद्ध। अब ये मूर्ति एक खेत में कहीं नीचे दबी हुई थी, तो उसे जब हल वल चलाया जा रहा था तो वो मूर्ति टकराई और उसको निकलवाया गया मजदूरों से और मेढ़ पर डाल दिया गया। जब व्यास जी उस मूर्ति को उठवाने लगे तो बूढ़ी स्त्री जो उस खेत की मालकिन थी
उसने इस पर ऐतराज किया। उसने कहा कि भाई ये मूर्ति हम आप कैसे उठा ले जाओगे, इस पत्थर को निकलवाने में हमको कितने मजदूर लगे, कितना पैसा खर्च हुआ। तब उन्होंने उसे कहा कि भाई ये बात तुम सही कहती हो, तुम्हारा खर्च हुआ है तो ये 2 रुपए लो और तुम्हारा खर्चा इससे ज्यादा हो जाएगा, ये बेकार का पत्थर यहाँ पड़ा है, हम इसको ले जाते हैं। बुढ़िया राजी हो गई। तो इस तरह उन्होंने 2 रुपए देकर, जिसका मूल्य 1936-37 में जो था वो आज के 2000 रुपयों के बराबर रहा होगा, वो उन्होंने उसे अपनी तरफ से चुकाया। वो कोई सरकारी रुपया नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत था जो इस तरह से वो खर्च करते थे और चीजें जुटाते थे, और फिर वो उस मूर्ति को लेकर के आ गए। एक बार एक फ्रांसीसी अफसर ने जब ये अखबारों में पढ़ा कि उनको बोधिसत्व की एक प्राचीन जो है सम्राट कनिष्क के काल की प्रतिमा मिली है, तो वह उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं इसके 10,000 रुपया आपको देने को तैयार हूं, यह मूर्ति आप मुझे दे दीजिए। लेकिन व्यास जी ने उसे मूर्ति देने से मना कर दिया, क्योंकि व्यास जी ना तो तस्कर थे, न चोर थे, न बेईमान थे, और ना ही वे किसी तरह से लोभी व्यक्ति थे। वो जो कुछ कर रहे थे कर्तव्य के रूप में कर रहे थे, देश के लिए कर रहे थे, समाज के लिए कर रहे थे। लेखक ने एक और घटना का जिक्र किया है कि जब पुरातत्व विभाग के एक बड़े अफसर मजूमदार जी को हजियापुर गांव में एक बड़े शिलालेख का पता चला, परंतु वह जिसके पास था उसने ने उन्हें वो शिलालेख देने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? उसने कहा कि हमने इसे व्यास जी को 25 रुपए में बेच दिया है, इसलिए हम उन्हीं को देंगे, आपको नहीं दे सकते। तब उन अफसर जी ने अपने से बड़े अफसरों को व्यास जी के बारे में एक शिकायती पत्र भेजा और व्यास जी को भी चिट्ठी लिख दी, और उसमें बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया। व्यास जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मजूमदार साहब उन्हें जानते थे कि वे कैसे व्यक्ति हैं। तब व्यास जी ने उत्तर दिया कि भाई ऐसा है कि आपको अगर वो शिलालेख चाहिए तो आप 25 रुपए उसके चुका करके आप ले सकते हैं। इस तरह शिलालेख जो है वो मजूमदार जी के पास चला गया, जो कि वो भी पुरातत्व विभाग के ही बड़े अधिकारी थे और पुरातत्व विभाग के लिए ही उन्होंने उसे खरीदा था। लेकिन उन्होंने व्यास जी के मन में ये भावना तो जाग गई कि जहां से शिलालेख मिला है वहां और भी चीजें हो सकती हैं जो पुरातत्व के महत्व की हों। तो वे उस गांव पहुंच गए, वहां गुलजार सिंह नाम का जो व्यक्ति था वो उनका परिचित था, और उन्होंने उससे कहा कि भाई चलो कुछ हमें भी मिलना चाहिए, देखते हैं, खोजते हैं। तो जब वे उसी व्यक्ति के कुएं पर किसी काम से गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक जो है वो लंबा चौड़ा चौकोर पत्थर कुएं की पाट पर पड़ा हुआ है और उसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा है। तो उन्होंने कहा भैया ये पत्थर हमें दे दो। पत्थर तुरंत उखड़वाया गया और उन्हें दे दिया गया। इस तरह जो शिलालेख उनके हाथ में आना था वह मजूमदार साहब के पास चला गया था, उसकी क्षतिपूर्ति इस तरह से लेखक ने कर ली। अब इसी तरह से लेखक एक और घटना का जिक्र करते हैं कि वो एक बार मैसूर के एक सम्मेलन में हिस्सेदारी करने के लिए गए। उन्हें वहां पता चला कि यहां पर प्राचीन ताम्र पत्रों की एक बड़ी मंडी है। ताम्र पत्र का मतलब तांबे के पत्रों पर पहले लेख उकेरे जाते थे, उन्हें ताम्र पत्र कहते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलिए वहां से ताम्र पत्र, कुछ मूल्यवान ताम्र पत्र, कीमती, इतिहास की दृष्टि से मूल्यवान जो है वो प्राप्त किए जाएं और संग्रहालय के लिए लाए जाएं। तो वहां पर उन्होंने कुछ, उन्हें चित्र भी मिल गए, उसे खरीद लिया। कुछ पुरानी पुस्तकें उन्हें दिखाई दी पर वो बहुत महंगी थी तो उसे वो खरीद नहीं सके, पर कुछ मूर्तियां उन्होंने जरूर सस्ते में प्राप्त कर ली और कुछ सिक्के तो उन्हें मुफ्त में ही मिल गए। फिर सम्मेलन में लेखक अपने मित्र गोपाल शरण सिंह जी के साथ रामेश्वरम गए दक्षिण। वहां पर उन्हें पता चला कि ताल पत्रों को यहां से पाया जा सकता है। अब ताल पत्र जो है वो ताड़ के वृक्षों पर अगर कोई लेख
उकेर दिया जाता था तो उसे तालपत्र कहा जाता था। तो दक्षिण में ताल ताड़ के वृक्ष बहुत होते हैं, तो ताल पत्रों का इस तरह भी इस्तेमाल होता रहा है। उसमें किताबें लिखी जाती थी, पुरानी पांडुलिपियाँ उसमें मौजूद हैं, ऐसे हजारों पांडुलिपियाँ अभी भी हैं संग्रहालयों में। तो लेखक के मन में आया कि हम भी कुछ तालपत्र प्राप्त करें, क्योंकि हमारे संग्रहालय में तालपत्र नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए कैसे मिलेगा और पैसा भी ज़्यादा ना लगने पाए और चीज भी मिल जाए, तो उन्होंने इसके लिए एक जुगत निकाली। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे साथ हैं ये राजा हैं, और राजा साहब का अब तक कोई पंडा नहीं है, तो जो राजा साहब का पंडा बनना चाहता है राजा साहब उसे ही पंडा बनाएंगे जो उन्हें ताल पत्र भेंट करेगा। तो वहाँ एक नौजवान पंडा था, वो राजा का पंडा बनने का बहुत इच्छुक था। वो भागकर घर गया और एक टोकरे भर ताल पत्र लेकर आ गया और उसने राजा साहब को भेंट कर दिया। राजा साहब को उसको अच्छी खासी दक्षिणा भी चुकाना पड़ी, क्योंकि वो राजा है, अब राजा की दक्षिणा तो साधारण होगी नहीं। तो इस तरह व्यास जी ने उन्हें राजा बनाकर उनसे दक्षिणा चुकवाकर अपने लिए संग्रहालय के लिए तालपत्रों को जमा किया था। फिर व्यास जी ने इसी तरह 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 के रास्ते निकाल करके इलाहाबाद संग्रहालय के लिए जो कुछ जमा किया वो इस प्रकार है, 2000 पत्थर वाली मूर्तियां, 5-6 हजार मिट्टी की मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें यानी पांडुलिपियां, हजारों सिक्के, मन के और मोहरें, ये सब उन्होंने अपने जीवन में जमा किया। इस भव्य संग्रहालय के लिए व्यास जी ने नगर पालिका की तरफ से बनने वाले भवन का जवाहरलाल नेहरू से शिलान्यास करवाया था। इस तरह पुरातत्व के क्षेत्र में व्यास जी ने अपना पूरा जीवन लगाकर योगदान किया। तो यह था ब्रजमोहन व्यास जी के संस्मरण रचना कच्चा चिट्ठा का सारांश। अगली बार हम इसी रचना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपसे अनुरोध है कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।